बहुत सारे दोस्त अहबाब आके कहते हैं कि जी फलां बंदा हमें बिला वजह तंग करता है, हमारे ऊपर ज्यादती करता है, जुल्म करता है, हम उसे कुछ कहते नहीं हैं और वो हमें बहुत परेशान करता है। तो जालम के जुल्म से बचने के लिए, शरीर के शर से बचने के लिए, हासिद के हसद से बचने के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। बहुत ही आसान और मुख्तसर सा अमल है। आप करेंगे तो जालिम अपने जुल्म से बाज रहेगा, हासिद अपने हसद से बाज रहेगा और शरीर अपने शर से बाज रहेगा। क्या करना है? आपने एक गज कपड़ा लेना है और साथ में एक स्याही की दवात और एक आपने कलम लेना है। कब्रिस्तान चले जाना है, वहां बैठ के उस कपड़े के ऊपर जो सफेद रंग का कपड़ा है उसके ऊपर आपने लिखना है कुरान पाक की आयत को, फदमदमा अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम फसवाहा। इसको लिखने के बाद नीचे आपने जिसके लिए अमल कर रहे हैं उसका नाम, उसकी वालदा का नाम लिख के उस कपड़े को आपने लपेटना है उस गड़े के अंदर जो आपने कब्रिस्तान में जहां बैठ के इसको लिखा है, वहां से गड़ा जो खोदा है उस गड़े के अंदर आपने इसको रख देना है। और जो मट्टी गड़े से निकाली है आपने थोड़ी थोड़ी मट्टी उस गड़े में डालते जाना है उस कपड़े के ऊपर जो आपने गड़े में रखा है, और साथ कुरान पाक की आयत को पढ़ते जाना है, फदमदमा अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम फसवाहा, फदमदमा अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम फसवाहा। तब तक आपने पढ़नी है जब तक मट्टी अपनी उसी हालत में नहीं आ जाती, मतलब गड़ा मुकम्मल तौर पे बंद नहीं हो जाता, आप मट्टी को बराबर नहीं कर देते। याद रखिएगा सिर्फ आयत को पढ़ना है, नाम नहीं पढ़ना, नाम सिर्फ आपने लिखना है और उस गड़े के अंदर आपने उसको दफन कर देना है। इस अमल से जालिम जुल्म से बाज रहेगा, हासिद हसद से बाज रहेगा और शरीर शर से बाज रहेगा।